हेलो भाई, आप देख रहे हो गाड़ी रिव्यू। मैं हूं आपका भाई छोटू तिवारी। आज हम लेके आए हैं भाई 2023 के हुंडई वर्ना, और ये इसका सेकंड टॉप मॉडल SX है। तो आज इसके बारे में हम पूरा फीचर जानेंगे, साथ में आपका वॉक अराउंड जानेंगे। नहीं, आज साथ में आपको इंजन डिटेल्स भी पूरा कवर करके देंगे। तो आप वीडियो में आगे बने रहिए, और पहले तो वॉक अराउंड से ही शुरू करते हैं कि आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है, उसके बाद आपको लास्ट में फाइनेंस डिटेल भी दे देंगे। स्टार्ट करते हैं भाई वर्ना की। सबसे पहले तो इसका खूबसूरत की से ही, और कुछ इस तरह से आपको इसमें खूबसूरत की मिल जाता है। लॉक अनलॉक साथ में आप होल्ड करके रखिएगा, इंजन स्टार्ट होगा आपका। ये होल्ड करके रखिएगा तो आपका टिल गेट खुल जाता है। वहीं फ्रंट से बात करें तो आपको LED कनेक्टेड DRL मिल जाता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत देखने में लगता है। इसमें आपको LED बेस में हेडलैम्प मिल जाता है 3 जोन में, और यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। इसमें आपको आगे की तरफ भी 4 पार्किंग सेंसर मिल जाता है। एक पॉइंट तो आपको यहाँ पे मिल जाता है, सेकंड पॉइंट इस तरफ, और थर्ड वहाँ पे और नीचे में फोर्थ। इसमें आपको कुछ इस तरह से बॉडी कलर नहीं, स्केट प्लेट मिल जाता है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। वहीं फ्रंट ग्रिल का बात करें भाई, तो वर्ना का फ्रंट ग्रिल भी काफ़ी लाजवाब लगता है। इसका टॉप एंड वेरिएंट लीजिएगा तो इसमें आपको यहाँ पे रडार मिल जाता है। इसमें आपको एडास वगैरह का फीचर्स नहीं मिलता है। साइड प्रोफाइल से बात करें तो साइड प्रोफाइल से भी देखने में काफ़ी लग्जरियस फील होती है वर्ना। और साथ में भाई आपको विंडोज होटल गार्निश जो है आपको सिल्वर फिनिश में मिल जाता है, और सिल्वर फिनिश में ही डोर हैंडल मिलता है, जो मतलब एक तरह से भाई और ज़्यादा लुक को इन्हेंस कर देता है। और ब्लैक कलर तो होता ही है, काफ़ी प्यारा। आगे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक मिल जाता है। वहीं टायर साइज का बात करें तो इसमें आपको 205, 55, 816 इंच का एलॉय व्हील मिल जाता है, और अपोलो का इसमें आपको टायर का सेटअप मिलता है। बॉडी कलर में ही आपको ORVM मिल जाता है, ORVM पे आपको टर्न इंडिकेटर मिलता है, डोर पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, पैसेंजर साइड डोर पर रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको फ्यूल फिलअप कैप मिल जाता है, और इसमें आपको 45 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है। साथ में आपको जो कैरेक्टर लाइन है ना, काफ़ी तगड़ा मिलता है, और यहाँ पर आपको 3D शेप जैसा मिलता है। वहीं रियर प्रोफाइल का बात करें तो आपको सार्फिन एंटीना मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है। इलेक्ट्रिक टिल गेट मिलता है, जैसे ही आप होल्ड करके रखिएगा भाई, और वैसे ही आपका ऑटोमेटिक खुल जाता है। साथ में आपको कनेक्टेड टिल लैंप का सेटअप मिल जाता है, और फिनिश में ही आपको यहाँ पे हुंडई का लोगो मिलता है, और स्पेस देके आपको वर्ना लिखा हुआ मिल जाता है। ये आपका रिवर्स कैमरा हो गया, और कुछ इस तरह से आपको प्यारा सा इसका टिल लैंप का पूरा सेटअप मिल जाता है। वहीं पीछे की तरफ भी इसमें आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलता है, और पीछे के स्केट प्लेट भाई आपको 3D शेप में मिल जाता है, ग्लोसी ब्लैक के फिनिश में। यहाँ बूट स्पेस का भी बात कर लेते हैं, तो भाई इसमें आपको 528 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। फिट एंड फिनिश आप देख सकते हैं कितना लाजवाब मिलता है, जिसका आपको टिलगेट के ऊपर में भी पूरा कवर्ड मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको स्टेपनी व्हील मिल जाता है। टायर साइज का बात करें तो 185/65 इंच का आपको नॉर्मल स्टीयरिंग मिल जाता है। इसका बूट में भाई एक आपको हाइलोजन बेस में लैंप भी मिल जाता है। चलते हैं अंदर, और इसमें आपको लॉक अनलॉक से मिरर फोल्ड अनफोल्ड मिल जाता है। जैसे ही आप अनलॉक कीजिएगा तो आपका मिरर अनफोल्ड हो जाएगा, साथ में आपको टर्न इंडिकेटर भी जल जाता है। डोर स्टीम का बात करें तो आपको ये लेदर फिनिश स्टिचिंग जैसा दिखता है भाई, बट ये हार्ड टॉप है। यहाँ पे आपको पावर विंडोज बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग, यहाँ से अपना मिरर एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड और लेफ्ट राइट दोनों साइड का मिरर फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। डोर ओपनर भी आपको सिल्वर फिनिश में ही मिल जाता है। यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिलता है, और अम्ब्रेला होल्डर इसमें आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है, इसमें आपको बोस प्रीमियम का स्पीकर मिलता है। सीट का बात करें भाई तो आपको नॉर्मल सा फेरवेरी का इसमें आपको सीट मिलता है। इसका ऊपर का वेरियंट लीजिएगा तो उसमें आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ से अपना फ्यूल फिलअप कैप खोल सकते हैं, यहाँ से अपना टिल गेट को ओपन कर सकते हैं, यहाँ से अपना फ्रंट बोनट ओपन कर सकते हैं, और ये आपका हेडलाइट लेवलर, ऑटो ऑन ऑफ का बैजिंग मिल जाता है, और ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, और ये भी भाई आपको लेदर फिनिश नहीं मिलता है, बट स्टिचिंग आप देख सकते हैं। लुक को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए आपको स्टिचिंग मिल जाता है। साथ में इसमें आपको एम्बिएंट लाइट मिलता है, आप जैसे देख सकते हैं ये ग्रीन, तो इसमें आपको और कलर ऑप्शन मिल जाता है, जो आप अपना मोबाइल से सेटिंग कर सकते हैं। स्टीयरिंग का बात करें भाई तो इसमें आपको डुअल स्कोप स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। एडजस्टमेंट का बात करें तो टिल्ट, साथ में आपको टेलीस्कोप दिया जाता है। स्टीयरिंग के राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल, साथ में आपको क्लस्टर कंट्रोल मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको कॉलिंग फंक्शन, इंफोटेनमेंट कंट्रोल और वॉयस कमांड मिल जाता है। इस साइड में आपको
वाइपर कंट्रोल मिल जाता है और इस साइड में आपको हेडलैम्प कंट्रोल मिल जाता है। इसमें आपको ऑटो डेमिंग हेडलैम्प मिलता है, आपको 10.25 इंच का डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है, इस साइड में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है और इस साइड में आपको टेकोमीटर मिलता है, बीच में आपको मल्टीमीटर मिलता है या यूजर सेटिंग कह सकते हैं, और यहाँ से अपना स्टीयरिंग से चेंज कर सकते हैं। जैसे इसके बैक जाके ओके करके आपका लाइट, डोर, कन्वेंस, रिसेट, यूनिट हर चीज़ मिल जाता है। साथ में आपको यहाँ पर टेम्परेचर दिखाई देता है, नीचे की तरफ आपको किलोमीटर और यहाँ पे आपको इंजन टेम्परेचर दिखता है, इस साइड में आपको फ्यूल गेज मिल जाता है। और इसका ए पैनल है ना, ए क्लस्टर से लेकर इंफोटेनमेंट सिस्टम तक ले, ए आपको पूरा पियानो ब्लैक का फिनिश मिलता है जो और ज़्यादा इंटीरियर लुक को इन्हेंस कर देता है। यहाँ पे आपको हजार बटन मिल जाता है और कुछ ही इस तरह से आपको एसी कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ से अपना फैन स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इस साइड से अपना टेम्परेचर घटा सकते हैं। इसमें आपको ऑटो एसी मिलता है, तो यहाँ से आप ऑटो में कर दीजिएगा तो अपने आप सेट कर लेता है। यहाँ अपना फ़ैन ऑफ कर सकते हैं। रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको एक यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, साथ में एक आपको टाइप सी पोर्ट एक मिल जाता है और एक 12 वोल्ट का सॉकेट। इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का फंक्शन मिल जाता है, तो यहाँ अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। ये आपका फ्रंट पार्किंग का हो गया ऑन ऑफ करने का, और ये आपका व्यू का हो गया। इसको क्लिक कर देने के बाद आपका रियर व्यू मिल जाता है। कुछ इस तरह से आपको काफ़ी प्रीमियम दिखने वाला 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ में गियर नॉब मिल जाता है, रिवर्स आपको कन्वेंशनल। यहाँ पर साथ में आपको 2 कप होल्डर मिल जाता है और कुछ इस तरह से आपको मैनुअली हैंड ब्रेक मिलता है। इसमें आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है, स्लाइडेबल मिलता है, साथ में आपको इसमें स्टोरेज भी मिल जाता है अच्छा खासा, जो कि आपको लेदर फिनिश स्टिचिंग के साथ में मिलता है। ड्राइवर साइड सनवाइजर का बात करें तो टिकट होल्डर और साथ में आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाता है। वहीं पैसेंजर साइड सनवाइजर का बात करें तो यहाँ पे भी आपको सेम सेटअप देखने को मिल जाता है। डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ में ऑटोमेटिक आपको कुछ इस तरह से रियर मिरर मिल जाता है। का सेकंड टॉप मॉडल है तो इसमें आपको सनरूफ भी मिल जाता है अच्छा खासा, और यहाँ से आपका सनरूफ कंट्रोल हो गया। यहाँ पे आपको LED बेस में लैंप मिल जाता है और यहाँ पे आपको माइक मिल जाता है। इसमें आपको 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, 4 स्पीकर मिल जाता है, 4 ट्विटर मिल जाता है, सब आपको बोस प्रीमियम का मिलता है। ग्लव बॉक्स का बात करें तो ग्लव बॉक्स में भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। सेफ्टी फीचर्स का बात करें तो इसमें आपको तमाम तरह के सेफ्टी फीचर्स मिल जाता है, जैसे इसमें आपको 6 एयरबैग मिल जाता है, ABS विथ EBD, ब्रेक असिस्ट, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉकिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, साथ में आपको इसमें हील असिस्ट भी मिल जाता है। अब इधर का कंप्लीट ही हो गया तो अब चलते हैं रियर में। रियर डोर स्टीम का बात करें तो आपको हॉट टॉप ही मिलता है। यहाँ पे आपको पावर विंडो बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है, नीचे की तरफ आपको बोतल होल्डर मिल जाता है। वहीं रियर सीट का लेग थाई सपोर्ट का बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं भाई लेग थाई सपोर्ट कितना मिलता है, देख रहे हैं ना। सडान में एक तो है कि रियर कंफर्ट जो है ना वो आपको भर भर का मिलता है। वहीं लेग रूम का बात करें भाई तो बैठ के दिखाते हैं। ए सीट अभी हम अपना 5 फीट 10 इंच 11 इंच के अनुकूल एडजस्ट किए हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कितना लेग थाई सपोर्ट मिल जाता है। साथ में आपको अच्छा खासा नी रूम भी मिल जाता है। वहीं हेड रूम का बात करें भाई तो आपको हेड रूम भी काफ़ी अच्छा मिलता है। आपको ऊपर में एक LED बेस में लैंप मिल जाता है और यहाँ पे आपको रियर AC वेंट मिलता है। साथ में आपको 2 USB Type-C पोर्ट मिलता है। और हैम्प का बात करें तो आपको माइनर सा हैम्प मिलता है, उतना ही नहीं रियर सीट पे आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, साथ में आपको 2 कप होल्डर मिलता है। इसमें आपको रियर सीट के 2 हेडरेस्ट मिल जाता है, वो अपना हाइट अनुकूल एडजस्ट कर सकते हैं। इंटीरियर भी देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखता है, जैसे देखिए भाई आपको क्या लाजवाब इंटीरियर इसका लगता है। तो चलिए अंदर का पूरा कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं इंजन के तरफ। इंजन का बात करें तो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन मिल जाता है, एक आपको नॉर्मल पेट्रोल इंजन और एक आपको 1.5 लीटर टर्बो इंजन। ये आपका नॉर्मल इंजन है जो 1.5 लीटर का इंजन है, 4 सिलेंडर में 113 BHP प्रोड्यूस करता है और 143 Nm का टॉर्क निकाल के दे। इस तरह से आपको पूरा इंजन का सेटअप मिल जाता है और ऊपर की तरफ भी आपको इंसुलेशन कवर फुल्ली सेटअप मिलता है। अब चलते हैं इसका भाई अहम पॉइंट की तरफ, आपको प्राइस पटना बिहार में आपको क्या प्राइस पड़ेगा, क्या आपको डाउन पेमेंट देना होगा, कितना कम डाउन पेमेंट में आप ले जा सकते हैं, ROI क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सब चीज़ का जानकारी लेते हैं। चलिए हमारे पास सौरभ जी हैं हुंडई से और ये यहाँ का सेल्स कंसल्टेंट है। सबसे पहले तो आपको चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो वर्ना SX का पटना बिहार में एक शोरूम प्राइस क्या पड़ रहा है? देखिए वर्ना SX का आपको पटना बिहार में एक शोरूम पड़ जाएगा 12,98,500। और ऑन रोड प्राइस क्या पड़ेगा? ये ऑन रोड जाते जाते हो जाएगा आपको 15,96,000।
15 लाख। यदि किसी को डाउन पेमेंट करके लेना हो तो आपके पास क्या फैसिलिटी है? देखिए, अगर डाउन पेमेंट करके अगर आपको लेना है तो सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि प्रोफाइल उनका क्या है। हाँ। अगर प्रोफाइल अगर गवर्नमेंट प्रोफाइल वाला सर्विस में हुए हाँ। तो हमारे पास बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.85 का SBI से। उसमें आपका मिनिमम डाउन पेमेंट लेके चलिए 10%, मतलब कि आप मैक्सिमम 2 से 2.25 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट जो जॉब करता है उसके लिए 8.85% रहेगा। और अगर प्राइवेट बैंक से अगर आप जाते हैं तो मिनिमम है 9.10। दोनों केस में आपको 10 से 15% डाउन पेमेंट पे गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी। हम मात्र 2 लाख रुपया दे के ये गाड़ी ले जा सकते हैं। जी, अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, मात्र 2 लाख रुपया लाइए, 5 स्टार रेटिंग का गाड़ी ले जाइए। चलिए, ये तो ग्लोबल एनकैप से 5 स्टार रेटेड है, भी काफी लग्जरी भी है और काफी खूबसूरत दिखता भी है। वहीं जब आप बोल रहे गवर्नमेंट जॉब करता है जो 2 लाख रुपया दे के ले जा सकते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब नहीं करता वो भी गाड़ी लेना चाहता है तो वो कैसे ले सकता है? प्राइवेट नौकरी पे है उनके लिए 15 से 20% डाउन पेमेंट यानी कि 3.5 लाख रुपया तक में डाउन पेमेंट करेंगे वो भी लेके जा सकते हैं। जिनका गवर्नमेंट जॉब नहीं है वो भी 3.5 लाख रुपया देकर डाउन पेमेंट में ले जा सकते हैं। उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ जाएगा मिनिमम 9.10 प्राइवेट बैंक से। किसी को गाड़ी ये लेना है जी सर, मान लीजिए हमको गवर्नमेंट जॉब नहीं है, 3 लाख रुपया लेके, 3.5 लाख रुपया लेके कहाँ पे आएंगे? आपको सर आना पड़ेगा इंपीरियल हुंडई एयरपोर्ट रोड शेखपुरा मोड़ पटना। तो यहाँ पे आके किनसे मिलना होगा? यहाँ पे आके आप हमसे मिल सकते हैं। मेरा नाम सौरभ हुआ, मेरा मोबाइल नंबर हो गया 9117888842। इस तरह से आप वीडियो और फाइनेंस डिटेल देखने के लिए गाड़ी रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाड़ी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।